फिर से कहो
अब धोबी ने कहा अब चले जाओ महाराज, कपड़ा धोने दो हमको। महाप्रभु जी ने कहा भैया मेरी प्रार्थना केवल एक बार हो, बस फिर नहीं को। तब महाप्रभु चैतन्य ने कहा एक बार केवल और बोलना है, और उन्होंने फिर से उच्चारण किया हरि। और भक्तों इस तीसरी बार जो महाप्रभु ने हरि बोल उच्चारण किया, ऐसा लगा जैसे उसके हृदय में कोई मशीन स्टार्ट कर दिया, और वो लगातार हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलने लगा और नृत्य करने लगा। अपने होश में नहीं रहा, एक प्रेम का उन्माद, एक नाम महाराज का नशा चढ़ गया उसको, नाम के मद में मतवाला हो गया। वो क्या कर रहा कुछ उसको ज्ञात नहीं। धोबी दोनों हाथ उठाए, आंख की पुतलियां ऊपर चढ़ गई, आंसू गिर रही है, कपड़ा कहां गिर के चला गया कुछ पता नहीं। दोनों हाथ ऊपर उठे हुए हैं, पांव छिड़क रहे हैं और पसीने पसीने हो रहा है, लेकिन अभी उसको अपने तन की सुध नहीं। हरि बोल निरंतर चालू हो, कई घंटे तक करता रहा ऐसे। धोबी जो उसकी पत्नी थी, उसने सोचा कि पति देव कपड़ा धोने गए हैं तो भूख लग गई होगी, थोड़ा भोजन लेके चल। वो गांव से भोजन लेके चली और जब तालाब के पास आई तो देखा पति उसके खड़े हुए और हाथ उठा के नृत्य कर रहे और नाम बोल रहे हरि बोल हरि। तो पत्नी ने कहा, पहले तो देख के हंसी, फिर उसके बाद कहा अजी ये नाचना गाना कहां से सीख लिया, पहले तो कभी ऐसे नाचते गाते नहीं थे, ये कहां से सीख के आए। लेकिन जब वो अपने होश में हो तब तो बोले, वो कुछ बोला ही वो ऐसे नाचता रहा। पत्नी ने कहा है सुनते हो ये नाचना कहां से सीखा है, ये क्या गा रहे हो। दो चार बार चिल्लाई, उसने उसकी ओर देखा ही नहीं। पत्नी को समझ में आया कोई भूत लग गया इसको, कोई भूत लग गया इसको, इसीलिए मेरी ओर देखता नहीं, मुझसे बोलता नहीं, पता नहीं कौन से नशे में मतवाला ये कुछ बोल रहा नाच रहा। अब बेचारी डर के मारे चिल्ला के भगी गांव की ओर, गांव में चिट्ठी चिल्लाती जा रही, अरे गांव के लोगों दौड़ो दौड़ो, मेरे पति को कोई भूत लग गया। गांव के लोगों ने कहा धोबिन जिन में भूत नहीं लगते, लेकिन तू नहीं मानती है तो हम चलते देखते। गांव के लोग आए और देखा कि वास्तव में कुछ विचित्र उन्माद पागलपन या कोई नशा जैसे कर लिया हो, बेहोशी वाली मतवाली स्थिति। गांव के लोग चकित रह गए कि क्या बात, इसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई हमारी ओर देखता नहीं, पांव इसके छकते नहीं और लगातार नाच रहा। महाप्रभु चैतन्य अपने भक्तों से ही बड़ी दूर चले गए थे और दूर जा करके पेड़ के नीचे बैठ करके वो दृश्य देख रहे थे। गांव के सब लोग इकट्ठे हो गए, धोबी कह रही है इनको रोको नहीं तो मर जाएंगे, हार्ट फेल हो जाएगा इनका। गांव के लोगों ने कहा हम तो समझ नहीं पा रहे कि बीमारी कौन सी है, कुछ भी समझ में नहीं आया। धोबी ने कहा तुम लोग तो तमाशा देखोगे, मेरा पति मर जाएगा, इसलिए मैं ही पकड़ती हूँ। लपक करके गुस्से में आ करके उसने चिल्लाती हुई की क्या कर रहे हो, दोनों हाथ कस के पकड़ा। और जब उसने दोनों हाथ पकड़ा तो भूत उसकी भी खोपड़ी चढ़ गई, उसने भी दोनों हाथ ऊपर उठा लिया पत्नी ने, और वो भी हरी होकर के नाचने लग गई और वो भी चिरक रही और वही हरी बोल गा रही। गांव के लोगों ने कहा भैया भूत दोनों के ऊपर चढ़ा, अब क्या किया जाए। कुछ अड़ोसियों पड़ोसियों ने सोचा कि चलो पड़ोस की बात है,
थोड़ा दया करो इसके ऊपर, नहीं तो दोनों मर जाएंगे बेचारे। इनको किसी तरह से पकड़ करके संभालो। और एक स्त्री ने उस धोबी को और एक पुरुष ने धोबी को पकड़ा, और जिन्होंने पकड़ा आप उठाए, और वैसे आपकी पुतली चली हुई और आंखों से आंसू गिर रही, और वो भी हरी बोल करके नाच रहे। उनके पड़ोसियों ने सोचा ये मर जाएगा हमारा साथी, इसको ठीक करो। उन्होंने उसको पकड़ा, और जिन्होंने पकड़ा उनकी भी वही हालत हुई। एक डेढ़ घंटे के अंदर पूरे गांव के सब के सब नाम के नशा में एकदम धुत हो करके और मतवाले हो करके नाम महाराज का रसा स्वादन कर लेते। भक्तों, किसी प्रेमी भक्त की संगति मिल जाए तो नाम महाराज की कृपा जल्दी हो जाएगी। इसलिए जहां भागवत प्रेमी लोग कीर्तन कर रहे हो वहां बड़े आदर भाव से जाओ, उनकी चरण रज खाकर माथे से लगाओ, वहां की धरती पर लाज शर्म छोड़ करके लौटो। अरे लाज शर्म किस चीज की है तुमको? यही लोग कहेंगे ना कि पागलों की जमात में ये भी भर्ती हो गए, कहने दो उनको। तुम भगवान के भजन के लिए पागल तालाश लोगे थोड़ी देर तो कौन सा नुकसान हो जाएगा? भगवान के भक्तों की चरण रज में श्रीराज, भगवान के भक्तों की चरण रज में लौटने से, भगवान का नाम गाने से यदि हमारा कल्याण हो रहा है तो कोई पागल कह दू करता है। भगवान की भक्ति नाम के बिना नहीं हो सकती। नाम भक्ति का मुख्य बीज है। बीजम भरवत भ्रमत जब प्रभवतु अवतान भूतये राम नाम। हनुमान नाटक में श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं राम नाम ही संपूर्ण धर्म साधना भक्ति का बीज है। इसी से भक्ति का पौधा निकलता है। लेकिन उस भक्ति के पौधे को थोड़ा संभाल करनी पड़ेगी। बीज कहाँ बोया जाता है? उपजाऊ जमीन। और जमीन उपजाऊ ना हो, कंकर पत्थर ज्यादा होता, बोड करके कंकर पत्थर निकाल करके थोड़ी खाद डाल करके पानी डाल करके स्वस्थ बीज गुना नहीं हो, गुना नहीं हो, ऐसा बीज जो किसी प्रकार से खराब न हो, न गुना हो, न गुना हो, न कच्चा हो, ऐसा बीज बो करके पानी उसमें रोजाना डालो, अंकुर निकले तो रक्षा करो। आज में एक दिन वो इतना बड़ा पेड़ बनेगा कि उसकी छाया में लाखों लोग विश्राम करें। ऐसे ही गुरुजन किसी के हृदय में भक्ति का पौधा लगाने के लिए पहले उसके द्वारा सेवा करवाते हैं। सेवा के माध्यम से हृदय के अज्ञान वो अभिमान निकाल देते हैं, और उसको निकालने के बाद भगवत प्रसाद की खाद देकर, और फिर के बाद नाम महाराज का बीज बो देते हैं। और वो नाम महाराज का बीज जो परंपरा प्राप्त है, जो अहंकार की अग्नि से दग्ध नहीं है, जो कामना की चीज से घुना नहीं है, और जो परंपरा प्राप्त है अर्थात परिपक्व मंत्र है, ऐसा मंत्र हृदय में बीज अर्पण करने पर भक्ति का पौधा निकलता है। और यदि कुसंग से उसको बचा लिया गया तो वो भक्ति का पौधा बलिष्ठ होकर के न केवल उस व्यक्ति को अपितु पास में आने वाले सब लोगों को शीतलता छाया आनंद प्रदान करता है। नाम की महिमा कल आपने कथा के समापन में शाम को प्रवण किया। एक नाम ने अजामिल का उद्धार कर दिया। नारायण गुरु का तिरस्कार करे सब कुछ चला जाता है। इंद्र ने बृहस्पति का तिरस्कार किया, बृहस्पति महाराज रूठ के चले गए।
दैत्यों के चपेट में आए इंद्र, दैत्यों ने सब छीनना शुरू कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब क्या करें? तो उन्होंने पुरोहित के रूप में वर्ण किया विश्वरूप का, वर्षा के पुत्र विश्वरूप। गुरु की कृपा हो तो लक्ष्य के सब पुत्र नारद के शिष्य बनकर संत हो जाते हैं, और गुरु नाराज हो तो इंद्र का भी वैभव सिद्धि में मिल जाता है। तांत्रिक प्रयोग किया, ऐसे जो प्रयोग होते हैं भक्तों, उसमें मंत्र में एक स्वर गलत हो जाए, भ्रष्ट उच्चारण करना दीर्घ हो जाए, अधीर्घ उच्चारण करना प्लुत हो जाए, या प्लुत उच्चारण करना है दीर्घ हो जाए, बस मंत्र का पंथ गया। राम जी का नाम राम राम कहो चाहे राम राम कहो चाहे रामा रामा कहो चाहे रामा रामा कहो, कल्याण होगा। कृष्ण का नाम कई लोग कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, कई लोग कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, कई लोग कृष्ण कृष्ण बोलते हैं, कल्याण करता है। लेकिन तांत्रिक मंत्र जो होते हैं उनमें जरा सी अशुद्धि हुई कि सर्वनाश हुआ। इंद्र सत्तरों विवर्धन हुआ, मंत्रोच्चारण हो रहा था कि ऐसा बालक जन्म ले जो इंद्र का शत्रु वो इंद्र को मार डाले। स्वर में दोष होने के कारण बालक का जन्म तो हुआ, लेकिन वो इंद्र को मारने वाला नहीं हुआ, इंद्र नहीं उसको मार डाला बाद में, और उसका नाम हुआ वृत्रासुर। बहुत बलवान था ये बलवान वृत्रासुर। युद्ध करने के लिए जब गया तो इंद्र भाग खड़े हुए, इन्होंने कहा मैं इससे युद्ध नहीं कर पाऊंगा, फिर क्या किया जाए? बोले भगवान ने कहा यदि दधी के ऋषि अपने अस्थि दें तो उससे वज्र बने और वृत्रासुर मर सकता है। महाराज दधीच के पास नैमिषारण्य में दधीच की महाराज तपस्या कर रहे थे, उनके पास इंद्र गए और इंद्र ने परोपकार की बहुत गाथा सुनाई। दधीच ने उनको अपनी अस्थि दी, शरीर क्या किया परोपकार, कैसे कैसे दानी हुए, तुम 1 करोड़ रुपया का घोटाला करो और उसमें से 10-20 हजार दान कर दो, तो कोई दान नहीं। वो बेईमानी को बचाने का तरीका, लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाओ दर्शन करो और बोलो प्रभु 5 लाख का जो गबन मैंने किया है वो पकड़ा नहीं गया तो सवा मन रखी तुमको, ये लक्ष्मी नारायण की पूजा नहीं है, ये लक्ष्मी नारायण को भी अपने पाप में तुम शामिल करना चाहते हो, अपनी बेईमानी को गबन को बचाने के लिए पूजा कर रहे हो, भगवान के लिए नहीं भक्ति के लिए नहीं। दान अपनी पवित्र कमाई में से अधिक से अधिक जो कर सके वो दान। 100 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 50 रुपया दान करता है, और एक व्यक्ति 10,000 रुपये रोजाना कमाता है और वह 1,000 दान करता है, तो उसके 50 रुपये श्रेष्ठ। 100 रुपये कमाने वाले के 50 रुपये श्रेष्ठ है, 10,000 कमाने वाले के 1,000 श्रेष्ठ नहीं है। त्याग की परसेंटेज देखी जाती है, त्याग कितना प्रतिशत आप कर सकते हैं, मात्रा नहीं, कितनी मात्रा में आपने किया या नहीं, आप कितनी परसेंटेज में त्याग कर सकते हैं, आपके त्याग की जो भावना है उसका महत्व विशेष। अधिक त्याग किया और परसेंटेज में अत्यंत कम है तो कुछ नहीं किया, अधिक से अधिक कितनी परसेंटेज आपके त्याग की है। भक्तों दान करने वाले अपने यहां एक से एक हुए, सुधार तुरंत देव ने दिया ग्रस्त थाल भी, तथा दधीच ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी, उसी नर क्षितीश ने
स्वमांस दान भी दिया महान वीर कर्ण ने, शरीर चर्म भी दिया। कुछ नहीं था देने को, तो सोना दांत में था, दांत को तोड़ कर दे कर्ण, अपनी चमड़ी को ढेर कर दे। कबूतर के प्राण बचाने के लिए अपने जंगा की मांस काट कर कबूतर के बराबर तौल कर दिया, लेकिन वो कम रह गया। तब वो तराजू पर खुद ही बैठ गए कि ले जाओ बाज पक्षी, कबूतर की जान छोड़ दो और मुझे खा ले। परीक्षा उनकी की जा रही है। आपको भगवान ने जो दिया वो देना चाहिए, ऐसा नहीं कि रुपया ही दो। आपके अंदर त्याग कितना है? ठाकुर जी के लिए कुछ कर सकते हो? भगवान के लिए आत्म बलिदान जब तक न कर दो कि लक्ष्मी नारायण शायद बुलाएंगे गरुड़ जी को कि अब तुम सब छो इस मामले, क्योंकि इस ममता ने तो बड़ी भारी लिस्ट सम्मुख रख दी। ठाकुर जी बोल रहे वृत्रासुर मांग, और वृत्रासुर ने कहा नहीं प्रभु नहीं चाहिए कुछ। भगवान ने सोचा कि शायद मन में कुछ हो, संकोच से मांगता नहीं। भगवान ने कहा इंद्र बनना चाहता अगले जन्म में, अगले जन्म में अब तो और कुछ नहीं बहुत आ रही, लेकिन अगले जन्म में इंद्र बनना चाहेगा? नहीं समझ में आएगी बात, कभी इलेक्शन में खड़े हो तब समझ में आएगा। एमएलए बनने के लिए, सभासद बनने के लिए, एमपी बनने के लिए कितने अंकित काम लोग करते, और कितनी मन में तीव्र वासना उत्कंठा गोली तक चला देते प्रतिपक्षी के ऊपर एक छोटा सा पद पाने के, और प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट और सारी दुनिया का कोई सार्वभौम सम्राट हो तो पता नहीं कितने अत्याचार हो जाए। और दुनिया का नहीं कह रहे स्वर्ग का राजा इंद्र बनेगा, पृष्ठम। अरे तो ब्रह्मा बनेगा क्या? न पारमेश्यम न सार्वभौम नरकाधिपत्यम न योग सिद्धि अपनर्भवम समंजसत्वं विरहय कांक्षे। महाराज मुझे लोकपाल इंद्र और किसी प्रकार का भी सम्राट का पद, ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए। अरे वृत्रासुर तो दैत्य है, एक दैत्य को देवता और देवता ही नहीं देवताओं का राजा बनाया जा रहा है, तो ये कोई कब बात है? उसने कहा महाराज हम दैत्य जरूर हैं, लेकिन हम देवताओं के राजा भी नहीं बनना चाहते। तो क्या चाहता है भगवान पूछ रहे? उसने कहा विरह ही काम थे, हम विरह की आकांक्षा करते हैं। विरह कैसा विरह चाहिए तुमको? वृत्रासुर की भक्ति भावना प्रकट हो रही, वो कह रहा है महाराज मुझे जो विरह चाहिए आपको बताता हूं। अजात पक्षातरम खगम यथावशुधारता प्रियं प्रियेव विमुषितं विशर्णा मनोरविन्दाक्षि दृक्षते त्वाम्। हे प्रभु अजात पक्षात् इव मातरं खगाः, पक्षी का वो बच्चा जिसके पंख नहीं निकले, अंडे में से पैदा हुआ पंख अभी निकले नहीं, पक्षी का वो बच्चा, उसकी माँ जो पक्षी वो चारा चुगने चली गई, अब वो आ नहीं पाई चिड़िया, तो पक्षी का छोटा सा बच्चा अब है नहीं, हो सकता नहीं, वो वही टूटू कर रहा घोंसले में। हवाई जहाज का भी पता चल गया, वो भी आ गया। अब वो जो व्याकुलता उसके हृदय में होती है वो वही समझ सकती है। कभी ऊपर जाती छत पर से देखती कोई कार तो आ रही, इस रोड से कोई कार निकल रही,
नहीं निकल रही कोई कार, फिर नीचे आके बैठ जाती, फिर भागती जाती ऊपर से, कोई कार की हॉर्न की आवाज तो आई, फिर दौड़ी गई, अरे और कोई गाड़ी थी निकल गई उधर। प्रियं प्रियेव व्योषितं विषण्णा, प्रिया अपने प्रियतम के लिए जिस तरह से व्याकुल होकर इंतजार करती है, उसी तरह से हे नारायण मैं आपके लिए व्याकुल होकर आपके दर्शन के लिए उत्कंठित रहूं। ये वृत्रासुर की मांग है। फिर क्या कहता है प्रभु, एक इच्छा और है, ममोत्तम श्लोक जने सुसक्षम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन्मायात्मात्मजदार्गेहेषु आसक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। अगले जन्म में महाराज उत्तम श्लोक जने सुसक्षम, हे पुण्य कीर्ति परमात्मा, केवल आपके प्रेमियों का संग मिले, संसारासक्त किसी प्राणी का साथ न मिले। भगवान से ऐसी प्रार्थना की है और भगवान ने कहा एवं भवतु भद्रं ते इत्युक्त्वान्तर्धीयत, ऐसा ही होगा कह करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और इसके बाद फिर युद्ध हुआ है, वृत्रासुर युद्ध में मारा गया इंद्र के हाथ के वज्र के प्रहार द्वारा, और उसका दिव्य तेज, उसका भगवदंश आत्मा भगवान में जाकर विलीन हुआ। सुखदेव जी से परीक्षित प्रश्न करते हैं, गुरुदेव मैंने सुना है कि श्री भगवान का स्मरण बड़े बड़े साधकों को भी अंत में नहीं हो पाता महाराज, और इस असुर को भगवान का स्मरण हुआ, भगवान को बुलाया, भगवान ने अंत में दर्शन भी दे दिया। महाराज ये दैत्य के लिए इतना सौलभ्य भगवान के अंदर कहां से उत्पन्न हो गया है? परमात्मा तो अति दुर्लभ है और ये सौलभ्य गुणाकर हो गए उस दैत्य के लिए। बोले जिसको तुम दैत्य समझ रहे हो वो वर्तमान में दैत्य, लेकिन पहले क्या था तुम क्या जानते हो? हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं वर्तमान में भी पूरा पूरा हम किसी को नहीं जान सकते हैं कि कौन क्या है, वस्तुतः थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे, लेकिन रियली क्या है कौन व्यक्ति अंदर से कौन किसको जाने, और पूर्व जन्म में कौन था ये व्यक्ति ये कौन जान सकता है? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित ये जो वृत्रासुर है पूर्व जन्म का संत था। संत था? हाँ बेटा, उसके पहले एक राजा था जिसका नाम था चित्रकेत। संतान की कामना से अंगिरा से प्रार्थना किया और कृतज्ञ नाम की रानी गर्भवती हुई। बालक का जन्म हुआ तो रानी की इज्जत और रानियों से ज्यादा हो गई, पुत्रवती जो थी उसकी थोड़ी इज्जत होने लगी अधिक, तो और रानियां जो थी सौतिया डास से सोचने लगी कि ये बेटा इसका मर जाए तो हमारे बराबर हो जाए, तो उन्होंने उसको बच्चे को जहर मिला करके दूध पिला दिया रात को, और सुबह बालक मर गया। सुबह सबकी सब रानियां माताओं बोलो नहीं कृपा करके शांत रहो, राधे राधे, सुबह सबकी सब रानियां जिन्होंने मारा था बच्चे को, वो रानी जिसका बच्चा मरा है वो तो रो ही रही थी, वो तो चिल्ला ही रही थी, लेकिन जिन्होंने मारा था वो रानियां और दुगुने जोरों से छाती कूट रही थी, वो आज ज्यादा जोर से चिल्ला रही थी जिससे पता न चले। और इसके बाद महाराज को पता चला तो वो भी धरती पर लौटने लगे, वो भी रुदन करने लगे, चिल्लाने लगे। तब तक अंगिरा और नारद दोनों ऋषि पधारे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण।
यदि वास्तविक विवेक में पहुंचोगे तो फिर संसार में किसी का कोई रिश्ता नहीं। सच्चे ज्ञान की बात तो यही। महाराज जब बेटे ने फटकार लगाई है तब चित्रकेत की आंखें खुली। कभी कभी ऐसी फटकार ठोकर लगने पर सोया हुआ जीव जग जाता है। महाभारत में वर्णन है जिस समय अभिमन्यु मारा गया, श्री राधे, जिस समय अभिमन्यु मारा गया, दोनों से हर स्पीकर का कनेक्शन करिए आप, एक से दूर का स्पीकर कनेक्टेड है, एक से पास का स्पीकर कनेक्टेड, ये गड़बड़ हो जाता है। श्री राधे, अर्जुन बहुत विलाप किए, बहुत रुदन किए, और श्री भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन क्या गीता का उपदेश फिर से तुमको करना पड़ेगा? अर्जुन ने कहा, महाराज रहने दो अब गीता का उपदेश करने को, हमें नहीं सुनना। तो तुम्हें क्या चाहिए? बोले हमें बेटा चाहिए, हमको तो अभिमन्यु अपना बेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं मानते हो तो चलो मेरे साथ। अर्जुन को लेकर के भगवान एक दिव्य लोक में गए। वहां एक विशाल चक्र घूम रहा था और उस चक्र को पकड़े हुए देव बालक दौड़ रहे हैं। बालक बहुत हैं, चक्र बहुत भारी। बच्चे सामने से आके निकल रहे हैं। भगवान ने कहा, अर्जुन इन्हीं बच्चों में तेरा बेटा भी आएगा। अर्जुन बड़े खुश हुए कि मेरा बेटा आएगा तो दौड़ के लिपट जाएगा मुझसे। और तब तक अभिमन्यु आया। अभिमन्यु जब सामने आया तो अर्जुन खुश होकर हाथ फैला करके बड़े प्रेम से बोले, बेटा अभिमन्यु मैं आऊं। अभिमन्यु ने उधर आंख भी नहीं उठाई, देखा ही नहीं, वो चला गया आराम से दौड़ता। भगवान ने कहा, अर्जुन तेरा बेटा सामने आया था, तेरी ओर तो आया नहीं। महाराज लगता है जल्दी में मुझे पहचान नहीं पाया, एक बार और मिल जाए तब संतोष हो। भगवान ने कहा, और मिल ले एक बार। दूसरी बार थोड़ी देर के पश्चात जब वो आया तो अर्जुन दौड़ करके कस के लिपटे, अभिमन्यु तू मुझे पहचानता नहीं, मैं तेरा पिता अर्जुन हूं, तू मुझे नहीं पहचान रहा। ऐसी जोर की धक्का मारा उसने, अभिमन्यु ने अर्जुन के ऐसे जोरों का धक्का मारा कि अर्जुन लड़खड़ा गए। अभिमन्यु ने कहा, चल हट, बाप बनने आया है, तू कब का मेरा पिता है? कितनी बार तो तेरा पिता मैं बन गया हूं, मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। अरे जब तेरे यहां मेरा जन्म हुआ रहा होगा तब रिश्ता था, ऐसे रिश्ते कुछ नहीं होते हैं। और आगे कौन मेरा पिता बनेगा, क्या पता पीछे कौन था। अर्जुन की आंखें खुल गई, शांत हो गए। भगवान ने कहा, आप क्या इच्छा है तुम्हारी? अर्जुन ने कहा, प्रभु करिष्ये वचनम तव, अब तो आप जो भी आज्ञा करेंगे वही करूंगा, अपनी बुद्धि नहीं लगाऊंगा। भगवान ने कहा, फिर धर्म युद्ध से पीठ क्यों दिखाता है, चल युद्ध कर। उनका मोह दूर हुआ। इसी तरह चित्रकेतु भी नारद की शिक्षा प्राप्त करके तपस्या में लगे हैं। बाद में उनको बहुत सी सिद्धियां मिली हैं। एक बार वो पार्वती को देख करके शिव के अंक में थोड़ा उपहास किए तो पार्वती ने श्राप दे दिया असुर होने का, किंतु भगवान शंकर जी ने वरदान दिया, कहा, देवी पार्वती ये नारद का शिष्य है, महान सिद्ध है, ये चाहता तो तुमको भी श्राप दे सकता था, किंतु इसने तुम्हें श्राप नहीं दिया, इसकी इस क्षमाशीलता के कारण मैं इसको वर दे रहा हूं कि ये तुम्हारे श्राप से असुर जरूर बनेगा, किंतु मेरे वरदान से ये निश्चित ही भगवान का भक्त बनेगा। इसी कारण से चित्रकेतु दैत्य वृत्रासुर बना है, किंतु भगवान शंकर के आशीर्वाद से महान भगवत भक्त बना है। और
भागवत धाम को प्राप्त किया है, 49 मरुदगण दिति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, छठा स्कंद पूर्ण होता है।